जिला कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक भाजपा जिला कार्यालय पर भाजपा प्रदेश संयोजक विशेष संपर्क अभियान सोमकांत शर्मा के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली की अध्यक्षता में आयोजित हुई। भाजपा विशेष संपर्क अभियान प्रदेश संयोजक सोमकांत शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस सरकार की कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगल राज के बारे में आम जन को व्यापक जनसंपर्क पैदल यात्रा कर घर घर जाकर बताना है। साथ ही कहा कि जन आक्रोश यात्रा 7 विधानसभा में रथ के साथ निकलेगी। इस रथ यात्रा में शिकायत पेटी होगी जिसमें आम जन कांग्रेस सरकार की शिकायत करेंगे। जन आक्रोश यात्रा प्रत्येक विधानसभा में मंडल पंचायत बूथ तक जाकर आम जन को जानकारी देगी, गांव में चौपाल होगी और कहा कि 2023 के आने वाले चुनावों में 25 साल तक भाजपा की लगातार सरकार बने, इस पर तैयारी करें और आगे बढ़े। जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, बूथ समिति के पदाधिकारियों से बिना स्वार्थ, बिना कार्यक्रम के घर जाकर परिवार वालों से मिले, इससे बूथ समिति सक्रिय मजबूत होगी। जिला कार्य समिति का महत्व, भाजपा संगठन कैसे मजबूत हो, किन मुद्दों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिले भर में आंदोलन हो, इस पर फोकस हो। फोटो युक्त बूथ समिति का सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर मंडल अध्यक्ष सावरलाल गुज्जर, बालूराम कुमावत, उदयलाल सिरोठा, रघुवीर सिंह, गोवर्धन गुज्जर, प्रहलाद सेन को सम्मानित किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां साधारण कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है। साथ ही कहा कि भाजपा ने अपने संगठन के बलबूते पे कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ खड़ा होकर पूरी ताकत, एकजुटता के साथ जिले भर में मुकाबला किया है। भाजपा भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा में आम जन तक कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। साथ ही कहा कि सहकारिता चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, द्वितीय चरण के चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। सावरकर हम सब लोगों के एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत है। वीर सावरकर के बारे में आप कांग्रेस की सरकार में इंदिरा गांधी जी का एक पत्र है, वो भी खूब वायरल हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, कोई भी क्रांतिकारी छोटा नहीं होता। जिसने भी देश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया है वह हमारे लिए श्रेष्ठ है। वो भले ही गांव में रहने वाला छोटा हो या उसका नाम कम हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनका नाम अधिक हुआ होगा। हमारे यहाँ पर तो एक ही सोच है कि हर स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी व्यक्ति इस समाज के बीच में आना चाहिए और समाज में उनका सम्मान होना चाहिए और नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा लेकर देश और समाज को सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए। ये जो अमृत काल का अवसर है, ये भारत के अभ्युदय का काल बने, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए संकल्प लें।